वालेकुम अस्सलाम जी, आज का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने आज काम करना है पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे पिछले लेसन के ऊपर। हमारा जो काम रह गया है वो एडवांस में हमने क्या काम करना था, बाकी पीछे से सारे टैब्स एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर एडवांस को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेमो जिस पे आपने प्रैक्टिकल करना है उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लोगों ने खुद अगर कोई काम किया है थोड़ा बहुत, कुछ वक्त में किया हुआ है और उसने भी किया हुआ है तो वो फिर हम दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं, नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जो मैं आपको डेमो दूंगी उसमें आप फिर कंटिन्यूस काम करेंगे, और फिर उसमें कहीं भी कोई इंटरप्शन होगी या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उसमें फिर हम लोग क्लास के बजाय आप किसी भी वक्त मुझे कॉल करेंगे और या फोन मैसेज करेंगे, जैसे भी करेंगे तो हम फिर उसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम एलिमेंटर में आए। एलिमेंटर में आने के बाद हमने कोई सेक्शन ओपन किया, मसलन इसको ही हम ले लेते हैं, इस सेक्शन को हम खोलते हैं। इसमें हम इस सेक्शन में हम अब एडवांस में आकर काम करेंगे। ये वाला जो हमारा सेक्शन, हमने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में हम आके लेआउट स्टाइल में आके आपने ये इसकी पिक्चर तो हमारी लेआउट से ही थी या स्टाइल मैम, में ये है। सारा कुछ जो आपने बनाया था ना, ये दोबारा से प्लीज बताइएगा। ये हमने पिक्चर यहाँ पे हमने सेक्शन लिया, सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे हमने तीन टैब लिए, तीन टैब लेने के बाद हमने उसके अंदर इमेज क्यूब से हमने इमेज उठाकर इसके अंदर डाला। इमेज डालने के बाद हमने यहाँ पर आकर यहाँ लिंक हमने कोई नहीं दिया, कैप्शन भी हमने कोई नहीं दिया, और इसको हमने साइज सेट कर लिया। इनको डिलीट करके सारे साइज सेट कर देते हैं, एक जैसे साइज कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। इसके कॉलम को हम डुप्लीकेट करेंगे। दो ही कॉलम कर लेते हैं, इन दोनों पे हम काम करते हैं। हमने दो सेक्शन, इनर सेक्शन हमने ले लिए, उनके अंदर फिर हमने क्यूब से उठाकर इमेज को उठाकर इसके अंदर डाला। इमेज उसके अंदर डालने के बाद फिर हम आगे इधर स्टाइल में आने के बाद हमने इसके बैकग्राउंड ओवरले में हम आए। यहाँ आकर हमने सी एस एस फाइल इमेज हमने उठाया था क्यूब से। ठीक है, ये दो तरीके हैं, या तो आप बैकग्राउंड में स्टाइल में भी आप दो जगह पे देखें, तस्वीर कहाँ से कितनी जगह से हम ले सकते हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। जब भी हम कोई नया कॉलम बनाते हैं, नया कॉलम बनाने के बाद हम तस्वीर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं वो पहले तो वो तीन जगह अपने माइंड में क्लियर करें ना। ये हमने प्लस आइकन क्लियर किया, प्लस आइकन दिया, इसके अंदर हम दो चीजें ले सकते हैं। हमने एक तो प्लस आइकन लेने के बाद हम यहाँ से ये इतनी सारी बॉक्सेस उठाकर इसके हर एक के अंदर हम जैसे इसको क्लियर प्लस करें तो यहाँ से उठाकर हम इधर भी इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इस प्लस को आइकन को हम क्लिक नहीं करेंगे। एक तो तस्वीर हमने उठा ली क्यूब के जरिए, क्यूब से फटाफट इमेज उठाया और इमेज उठा के हमने उसके अंदर डाल दिया, एक इमेज ऐसे आ गया। दूसरा इमेज हम ऐसे भी डाल सकते हैं, हम इधर कॉलम में आए, कॉलम में आने के बाद हम इधर स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद हमने इधर पेंसिल पे क्लिक किया और यहाँ से हमने चूज इमेज किया और वो हम यहाँ से उठाकर कोई इमेज इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और इधर से फिर आकर इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, इसको सेंटर सेंटर करना होगा, अटैचमेंट नहीं करनी, कोई फिक्स भी नहीं करना, रिपीट नो रिपीट करना होगा और साइज कवर करना होगा जिसमें पूरी तस्वीर कवर हो जाती है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट नहीं करना। अगर स्क्रॉलिंग इफेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक अलग ही सेटिंग चल पड़ेगी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। माउस इफेक्ट ये करेंगे तो आप यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका माउस जाएगा वहाँ वहाँ आपकी तस्वीर जाएगी, अगर हम माउस इफेक्ट ओपन करेंगे। फिलहाल हम माउस इफेक्ट भी नहीं कर रहे इसके अंदर ओपन, एक जगह से ये तस्वीर चल गई।
दूसरी तस्वीर देखें, पहली तस्वीर हमने कहाँ से डाली थी, ये पहली तस्वीर हमने डाली थी सीधा क्यूब उठा के और इसके अंदर हमने तस्वीर डाली थी, यहाँ से इमेज चूज कर लिया हमने, यही वाला इमेज किया, ये यहाँ पर आ गया। दूसरी हमने डाली थी इधर कॉलम में जाकर स्टाइल में आए, स्टाइल में आके हमने बैकग्राउंड के अंदर ही पेंसिल को क्लिक करके तस्वीर डाल दी। तीसरी तस्वीर हम कहाँ से डाल रहे हैं, फिर हमने कॉलम क्लिक किया, कॉलम क्लिक करने के बाद हम आपको जब कभी कोई बना बनाया लेआउट मिलता है तो आपको कहाँ कहाँ तस्वीर आपको उस लेआउट में ढूंढ कर उस तस्वीर पे अगर काम करना है तो नए आने वाले लोगों को वो तस्वीर ही नहीं मिल रही होती है, डली हुई कहाँ है। तो ये मैं वो जगह आपको बता रही हूँ कि अगर आपको किसी लेआउट पे काम करना पड़े तो आपको तस्वीर ना मिल रही हो तो आप उसको कहाँ कहाँ तलाश कर सकते हैं। एक जगह, दो जगह, तीसरी जगह हम कहाँ कर रहे हैं, इस बैकग्राउंड को छोड़ेंगे, बैकग्राउंड ओवरले लेंगे। बैकग्राउंड ओवरले लेने के बाद ये आपने नॉर्मल पे ही रहे, यहाँ आके आपने फिर पेंसिल को क्लिक किया, यहाँ चूज इमेज किया और हमने फिर यही तस्वीर ले ली और हमने आकर ये इसके अंदर डाली और ये यहाँ पे तस्वीर नहीं आ रही, आनी चाहिए, लेकिन ये बाजू का तस्वीर खाली यहीं पे होती है और वो प्रोमिनेंट हुई होती है। एक मिनट देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि बहुत से लेआउट्स में तस्वीर इस जगह मिलती है हमें। ये आ गई, ये बैकग्राउंड में आई है, सॉरी बैकग्राउंड ओवरले में आएंगे हम। एक सेकेंड, पहले हम बैकग्राउंड से रिमूव करते हैं फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आया, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हमें यहाँ नहीं मिलती, सिर्फ बैकग्राउंड ओवरले में मिलती हैं। अच्छा, अगर हम इसको इसी तस्वीर को बैकग्राउंड में भी डालते हैं, मैं आपको कोई लेआउट ऐसा उठाकर दिखाऊंगी कि जहां हमें सिर्फ ये बैकग्राउंड ओवरले में मिले। अगर हम इसको बैकग्राउंड में भी डालते हैं और बैकग्राउंड ओवरले में भी डालते हैं तो इधर से इसका कलर आके कोई और कर सकते हैं और उधर से इसका कलर जाकर कोई और कर सकते हैं, यानी यहाँ से ये क्लियर रहेगी, यहाँ से बिल्कुल वाइट रहेगी और बैकग्राउंड ओवरले में आकर, अच्छा बैकग्राउंड ओवरले में हम कोई और तस्वीर लेते हैं फिर इसकी इसकी चेंजिंग करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी सेटिंग नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ बैकग्राउंड में आ रहा है और बैकग्राउंड ओवरले में यहाँ से ये पिक नहीं कर रहा। बाज़ों का कोई और इशू आया होता है या फिर वो हैंग हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है या इशू आया होता है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर होती है और यहाँ प्रोमिनेंट भी होती है। बाज़ों का आपको तस्वीर यहाँ बैकग्राउंड में नजर नहीं आएगी, यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आएगी तस्वीर, और आपको नजर आएगी बैकग्राउंड ओवरले में जाकर, ठीक है, यहाँ पर नजर आएगी बैकग्राउंड ओवरले पे। यहाँ से आकर आपको उस तस्वीर की जो है ना कलर और उसके शेड्स यहाँ से आकर आपको तब्दील करने होंगे यहाँ पे आकर, और वो यहाँ पर आकर मूव करते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और मैं आपको ये वाला ओवरले भी निकाल कर दिखाऊंगी कि कैसे बैकग्राउंड में होता है, यहाँ ये इफेक्ट नहीं कर रहा लेकिन होता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने खुद बहुत जगहों पर इस तरह काम किया है कि सिर्फ बैकग्राउंड ओवरले में पिक्चर होती है और बैकग्राउंड में नहीं होती, ठीक है, बैकग्राउंड में नहीं होती, बैकग्राउंड ओवरले में होती है। आपको बाज़ों का ऐसा होगा कि आप तस्वीर इमेज में भी ढूंढ लेंगे, कॉलम में भी ढूंढ लेंगे और बैकग्राउंड में भी ढूंढ लेंगे, तीनों जगह ही आपको तस्वीर नहीं मिलेगी, मिलेगी जाके बैकग्राउंड ओवरले में, यहाँ पे वो काम कर रही होगी बैकग्राउंड ओवरले में आके, ठीक है। इधर हम पेंसिल के आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ वो तस्वीर हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ अपलोड नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात गलत है, ये बात गलत नहीं है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड कोई ओवरले निकाल कर फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है, कि ये वर्कआउट करवा के इसके अंदर चेंज करके फिर मैं ये डाउट जरूर इंशाल्लाह आपका क्लियर करूंगी। और आप खुद भी तलाश कीजिएगा कोई भी ऐसा बैकग्राउंड जहाँ आपको, कोई भी ऐसी इमेज जहाँ आपको बैकग्राउंड में भी ना मिल रहा हो, इमेज में भी ना मिल रहा हो, कॉलम में भी ना मिल रहा हो, आप खुद भी ऐसी चीज देखिएगा। और फोर्थ जगह, यानी अब मैंने आपको चार जगह दिखा दी है जहां पर आपको तस्वीर मिल सकती है, चार जगह। नंबर एक, फिर से बता रही हूँ, नंबर एक इधर कॉलम से जाकर हम डायरेक्टली डायरेक्टली इमेज उठाकर इधर हम डालते हैं एक। नंबर दो, हमने हम इधर कॉलम में गए, कॉलम में जाने के बाद बैकग्राउंड में यहाँ पे इधर आ गई। और नंबर तीन, सॉरी चार नहीं, तीन जगहों पर,
और नंबर तीन हमारा बैकग्राउंड ओवरले में तस्वीर होती है, बैकग्राउंड ओवरले में तस्वीर होती है, ठीक है यहाँ। लेकिन कल हम क्या काम कर रहे थे, कल हम ये काम कर रहे थे, हमने डायरेक्टली तस्वीर सिर्फ ये लिया, ये लेने के बाद दो कॉलम उसके अंदर चूज कर लिए थे, प्लस आइकन से दो कॉलम चूज करने के बाद हमने डायरेक्टली क्यूब से इमेज उठाकर हमने इसमें डाला था, हम फर्स्ट वे यूज कर रहे थे। इनका डिफरेंस भी मैं आपको भी बताती हूँ कि क्यों अलग अलग जगहों पे होती है। इस इधर से हमने डायरेक्टली इमेज उठाया, डायरेक्टली इमेज उठाने के बाद हमने इसके अंदर इसके 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 इस तस्वीर को उठाया, लेने के बाद हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, नहीं हेडिंग नहीं सॉरी पिक्चर, हमने डायरेक्ट पिक्चर उठाई, हमने इधर ना लिंक डाला ना कैप्शन डाला, डाल सकते हैं इधर से इसको, हमने पोजीशन अगर जो भी या साइज अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद इसकी विड्थ दूसरों से कम ज्यादा है तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, अदरवाइज करनी नहीं चाहिए। एक ही कॉलम सेट बनाकर उसके बाद हमें इस कॉलम से उसको डुप्लीकेट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट चीज को हम अपने हाथ से नहीं बनाए, सेम एज इट इज बने। उसके बाद हमारी तस्वीर की ओपेसिटी कम ज्यादा हम इधर से हल्का तेज हम लोग कर सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है। और फिर उसके बाद कलर चेंज करना है CSS फाइल से, अगर आपको इसको डार्क मोड में नहीं कराना है, दूसरे कलर्स आप ना छेड़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल्ट इन सेटिंग हुई होती है और आपके हाथ से अगर इधर उधर हो जाती है तो वापस वैसी सेटिंग बन नहीं पाती, या तो फिर नंबर्स याद रख लें इसके, ठीक है। हमने सिर्फ इसके कलर को डार्क मोड में लाना है तो उसकी ब्राइटनेस को हम कम ज्यादा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम, वैसे फुल ब्राइट तो ये देखे ना ऐसे है और प्रॉपर ब्राइट तस्वीर ये ऐसे थी, लेकिन हमने इसको थोड़ा डार्क कर दिया क्योंकि हमने इसके ऊपर हेडिंग भी दी हुई है। इस हेडिंग को देने के बाद ये फुल साइज हमने इस तरह इसका कर दिया था, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट किया था बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो हमने यहाँ से आकर कम ज्यादा किया था, हम ये डार्क कलर थोड़ा फर्ज करने रख लेते हैं, थोड़ा ये डार्क कलर कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इसके शेड को ये यहाँ से हमने कम ज्यादा किया था। ये शेड जो है ना ये आपको बहुत एहतियात से देखकर बनाना पड़ता है, वरना ये ओरिजिनल नहीं लगता। जब आपका कोई एक शेड बन जाए प्रॉपर तो फिर आपने उस शेड को ही कॉपी पेस्ट करना होता है और उसको आगे ले जाना होता है। इसको थोड़ा लाइट करें, इस शेड से ये होता है कि आपकी तस्वीर ऊपर को उभरी हुई लगती है। मैम अगर मुझे पूरे स्क्वायर के ऊपर शेड चाहिए, मतलब ये जो डॉग की पिक्चर है कर्विंग है, मुझे पूरे स्क्वायर पे चाहिए तो वो किस तरह से आएगा? ये इन्हीं से ही आएगा, ये देखें इसको आप सेंटर में कर देंगी, पूरे स्क्वायर पे जब आपने करनी होती है ना इसकी सेटिंग, वैसे ही बिल्ट इन सेट हुई भी होती है पूरे स्क्वायर के हिसाब से, पूरे स्क्वायर के हिसाब से सेट हुई भी होती है ऑलरेडी, आप उसको आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। फिर आपने जब वो करनी होती है ना, आपको छेड़ना ही नहीं होता, सिर्फ कलर चेंज करना होता है, वो जो बनी हुई होती है वो चारों तरफ बनी हुई होती है, ठीक है। मसलन एक डार्क सेटिंग में आपको दिखाती हूँ, उसकी सेटिंग आप नंबर नोट कर लें तो देखिए, वो भी मुझे थोड़ा टाइम लगा था बनाने में सेटिंग को, लेकिन ये है कि उसकी सेटिंग अगर हम चेंज ना करना चाहें और उसी को जहन नशीन कर लें तो वो हमारी बड़ी अच्छी सेटिंग कर शेड की। ये देखें इसके नीचे जो शेड बने हुए हैं ना, इसके नीचे ये बहुत लाइट एंड शॉर्ट शेड बने हुए हैं, बहुत स्प्रेड नहीं हुआ हुआ, लेकिन तस्वीर ऊपर को उभरी हुई लग रही है, ठीक है ना। इसके हम सेटिंग चेक कर लेते हैं, ये सेटिंग कैसी है। अच्छा यहाँ से इतनी देर वो खुल रहा है, हम आगे करते हैं और इसके जी इसके ऊपर हमने इसकी शेड कर लिया। फिर उसके बाद फिर अगला है टैब हमारा एडवांस का, एडवांस के टैब में हम जब आते हैं सबसे ऊपर आता है मार्जिन। मार्जिन क्या है ये देखें, आपकी ये तस्वीर ना इसके बीच में बिल्कुल कोई गैप नहीं है। अव्वल तो सबसे पहले करना ये चाहिए कि ये आप प्लस आइकन देते हैं तो यहाँ पर एक खाली टैब ले लेना चाहिए, खाली टैब लेने के बाद प्लस आइकन को क्लिक करना चाहिए और यहाँ लिखना चाहिए स्पेसर, ये स्पेसर उठा के आपको इस जगह डालना चाहिए और ये गैप बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और या फिर हम यहाँ पर आकर डिवाइडर भी डाल सकते हैं,
एक और मैं आपको दिखला के दिखाती हूँ आपको, जब दो सेक्शंस के बीच में गैप करना होता है तो कैसे करना होता है। यहाँ पे आए हम, इधर आके हमने डिवाइडर, एक मैंने स्पेसर लिया था, अब मैं डिवाइडर डाल रही हूँ। ये देखें, ये स्पेसर है, ये डिवाइडर है, ये मैं डिवाइडर उठा के इधर डाल रही हूँ, ये मैंने डिवाइडर यहाँ पे डाला और ये बन गई लाइन। आप बीच में देख रहे हैं ये लाइन बन गई है। ये लाइन अगर आप नहीं बनाना चाह रहे या कोई और छोटी लाइन बीच में, सिर्फ दो कॉलम्स के बीच में छोटी लाइन बनाना चाह रहे हैं तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन बन गई, ठीक है। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, डबल डॉटेड लाइन, लाइन जरा बड़ी करती हूँ, ये छोटे छोटे डॉट्स हैं अगर आपको नजर नहीं आ रहे, कलर कर्ली, ये देखें ये सारे स्टाइल। इसके बीच में अगर आप गैप करना चाहते हैं दो कॉलम्स के बीच में तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं आपके, ठीक है। ये देखें, ये आप फुल लाइन भी कर सकते हैं, शॉर्ट लाइन भी कर सकते हैं। अभी मैं जैसे आपको दिखाऊं कि मैंने ये भी दिखा दूं मैं आपको जरा, इसलिए एलिमेंटर अभी नहीं खुला। अच्छा, इसके बाद हम इस लाइन को हमने फुल भी कर लिया और यहाँ से शॉर्ट भी कर दिया। मोस्टली डिसेंट वेबसाइट्स में ये शॉर्ट डिवाइडर होता है, ठीक है, और कोई जिगजैग वगैरह नहीं होते, सीधी लाइन ही होती है मोस्टली, बस ये ऐसे होती है। और इसकी चौड़ाई मोटाई भी आप ज़्यादा इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, साइड पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, बस ये चीज़ बहुत डिसेंट लगती है। और एलिमेंट अगर इसके बीच में अगर कोई डालना है आपने तो ये एलिमेंट आपने ले लिया और इस एलिमेंट में ये स्टार देखिए इसके बीच में आ गया ये स्टार, और ये स्टार आपको मेरे ख्याल में इसमें शायद हमें कलर चेंज का ऑप्शन भी शायद मिलता है। मैम एक चीज यहां से ये मैम ये डिवाइडर जो ये दो सेक्शन के बीच को डिवाइड करेगा या फिर हम इसी के अंदर ऊपर नीचे कोई तस्वीर डालेंगे तो उसको डिवाइड करेगा, आपकी मर्जी है, ये आप जहां मर्जी लाकर डाल दें। ये दरमियान इधर नहीं डलेगा, इन दो के दरमियान में नहीं डलेगा, इस जगह डलेगा। ये सेक्शन बन गया एक, ये सेक्शन बन गया एक, ये सेक्शन बन गया, इन दोनों को डिवाइड करेगा, इन दोनों तस्वीरों के बीच में नहीं आएगा, ठीक। और स्पेसर जो है वो सेक्शन के अंदर ही स्पेस देगा, स्पेसर जो है वो बिल्कुल खाली आपकी वेबसाइट की जगह को, ये देखिए ये खाली एरिया नजर आ रहा है ना बीच में, जैसे ये तो खैर सेक्शन है, इस सेक्शन के बीच में अगर आप इसके और इसके बीच में गैप करना चाह रहे हैं तो आपको ये देना ही पड़ता है, ये स्पेसर जो है ना आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है स्पेसर। और डिवाइडर आपकी अगर आप खाली स्पेसर नहीं देना चाह रहे हैं तो डिवाइडर दें और स्टाइल के साथ दे सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने लाइंस के बजाय अगर मैं यहाँ पर कर्ल दे दूं तो ये देखें दो बीच में स्टार आ गया, एलिमेंट आ गया और ये इस तरह ये चीजें आ गई, ठीक है। खाली लाइन देना तो ये आ गई, फिर इसके बाद इसको आके स्टाइल भी दे सकते हैं, यहाँ स्टाइल आके इसके चेंज कर सकते हैं, ये जो आइकन था इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग जो है लाइन की कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये सब चीजें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किधर से आ रही है, बाकी स्टाइलिंग तो आपको देना आपका खुद का काम है, जैसे आपको पसंद हो, ठीक है। और इसका फिर से शायद कलर भी चेंज होता है, हाँ ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो रहा है, और ये आप स्टार के बजाय कोई भी कलर कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए अपलोड SVGs ये आप खुद भी अपलोड कर सकते हैं, मिल जाती हैं गूगल पे SVGs, और लाइब्रेरी की इनके अपने अंदर भी बहुत सारी चीजें खुद रखी हुई है। ये देखें इसके इसको आप वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए बेशुमार काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये इतने सारे आइकन्स हैं, मैंने अब इसमें मजीद स्टार के बजाय ये वाला ले लिया, ये मकड़ी ये वो देखें क्या क्या चीजें, चांद सितारे ये मैंने इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया, ये देखें। और फिर हम इसके स्टाइल में गए तो ये देखें यहाँ पे कलर चेंज है, इसका वेट ज्यादा है, गैप है, आइकन जो हमने डाला है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, ये रोटेट होके साइड इसकी रुख चेंज हो जाएगा, और स्पेसिंग और पोजीशन आप किस जगह पे इसको करना चाह रहे हैं, ये सब चीजें आपके हाथ में गेम है, ठीक है। आपको ना अब जैसे ये वाली वेबसाइट में आपको दिखाऊं कि ये मुझे ना एज इट इज, उसने कस्टमर ने कहा था बिल्कुल ऐसी बनानी है, ये मेरी वेबसाइट बनी हुई है आपने बिल्कुल ऐसी बनानी है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई, ये उसने मुझे बनी हुई अपनी एक वेबसाइट शो की थी, उसने कहा था सेम कलर रखने हैं, सेम डिजाइन रखना है, कोई भी आपने इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी, ये मेरी मर्जी की वेबसाइट नहीं बनी हुई, ये कस्टमर की मर्जी की बनी हुई है, उसने बस दे दिया था कि आपको कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी आपको शेडिंग कह रही थी कि आप लोग इसकी शेडिंग जो है इसको नोट कर लें,
हमने ये तस्वीर ली, ये मैंने बनाई कॉलम, और इसके अंदर तस्वीर जो मैंने बनाई, बनाने के बाद मैंने इसका जो बॉक्स शेडो दिया, ये देखें इसके साइड पे जो ये सॉरी इसको सीधा कर दूं जरा, हाँ इसके बॉक्स के साइड पे ये देखें ये कलर नजर आ रहा है ना आपको मरून, ये मैंने यहाँ पे कलर मरून दिया हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल यानी कि ये इस तरीके से जो इसका कलर है वो मैंने 11 रखा हुआ है, वर्टिकल जो है वो 14 रखा हुआ है, उसके नीचे 16 रखा हुआ है, 11, 14, 16। ये देखें एक कितना प्रोमिनेंट और उभरा हुआ बॉक्स नजर आ रहा है, मैंने 11, 14 और 16 इसकी मैंने सेटिंग रखी हुई है, 11, 14 और 16। और जो स्प्रेड है ये मैंने नहीं किया, सिर्फ 0 रखा हुआ, स्प्रेड नहीं किया हुआ इसको, बिल्कुल सबसे कम, उससे ज्यादा ठीक है, 11, 14, 16 ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी सेटिंग है। इसकी सेटिंग देख लेते हैं, इन कॉलम्स की किस तरह सेटिंग है, इसका बॉक्स शेडो किसकी क्या, इसका बॉक्स शेडो देखते हैं, ये चेंज है 7, 9 और 8, 7, 9 और 8 इसका बॉक्स शेडो इसके अपने कलर की वजह से है, ठीक है, इसका बॉक्स शेडो इसके कलर की डिमांड थी, ठीक है। कलर जो बैकग्राउंड डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, आप उस बैकग्राउंड क्या के, अब ये क्या है हमारा, इसका क्या था 7, 9 और 8, हम अपने वाले में जाकर इसको करके देखते हैं 7, 9 और 8 के यहाँ पर वो क्या बन रहा है। इधर हम आए स्टाइल में, तस्वीर हमने यही ली है ना, नहीं ये हेडिंग पे है, ये हमारी तस्वीर है, इधर इसके हम स्टाइल में आए, स्टाइल में आके हमने इसका बॉक्स शेडो देखा, बॉक्स शेडो हम इधर वही वाला करते हैं 7, 9 और 8 और यहाँ पे 0 था ना इधर, हाँ जी नीचे 0 है। ये देखें इसका बॉक्स शेडो थोड़ा इस तरह का आ गया, लेकिन ये यहाँ पे इतना सुटेबल यहाँ लग रहा है, बस आपका मकसद शेडिंग का है, तस्वीर उभरी हुई फील हो, उभरी हुई तस्वीर फील हो, ठीक है। हमारी तस्वीर क्योंकि अंदर से भी थोड़ा डार्क है तो इसीलिए इसका शेड जो है ना इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, हम अंदर की शेड तस्वीर का शेड थोड़ा सा लाइट करते हैं फिर ये थोड़ा प्रोमिनेंट, हाँ अब देखें अब ये तस्वीर उभरी हुई लग रही है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर होवर लेकर आ रहे हैं तो अब हमें हेडिंग भी साफ नजर आ रही है, ठीक है। अगर ये आप जो शेडिंग के जो नंबर्स हैं ये आप याद रख लें तो सेटिंग नहीं करनी पड़ती बार बार, लाइट पे आप ये नंबर्स याद रख लें जो है ये मैंने अभी आपको नंबर दिए, डार्क पे वो वाले नंबर्स याद रख लें तो फिर आपकी ये सेटिंग आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज बना लें और बनाने के बाद उसको डुप्लीकेट कर दें। मैम ये मुझे कर्विंग बताइएगा, कर्विंग आपने कैसे दी? ये हमने किया, ये देखें ये है बॉर्डर, स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद ये है बॉर्डर टाइप, ये देखें ये बॉर्डर टाइप, अगर आप इसको चाहें तो सॉलिड भी कर सकते हैं, इसके एक लाइन भी ला सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। अच्छा अगर आप सॉलिड करते हैं जो चीज जैसे जहरा ने बनाई हुई थी, ठीक है, अगर आप इसको सॉलिड कर दिया आपने, सॉलिड करने के बाद आप इसके कलर में आए, सॉलिड करने के बाद आपने इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा कर दी, विड्थ थोड़ी इसकी ज्यादा कर दी, और फिर इसके बाद आप इसके कलर में आए, कलर फर्ज करें आप इसका न्यून कलर करते हैं हम इसका, और इसके अंदर हम इसके अंदर हूवर स्टाइल है, इधर हम हूवर स्टाइल में आए, हूवर स्टाइल में आने के बाद हमने ये कलर जो है यहाँ से आकर डल कर दिया बिल्कुल, और फिर हम इसके हूवर कलर में आके ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बनाया है, इसको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा शायद, सॉलिड किया हूवर एनिमेशन सीएसएस फाइल, एक
भी मैंने थोड़े दिन पहले बनाया, फिर मेरे जहन से निकल गया। अभी मुझे थोड़ा इसको लेकर जाएंगे ऊपर पे, इसके बॉर्डर को, बॉक्स शेडो को, तो हमें इसके दो कलर एडजस्ट करने पड़ते हैं, एक डार्क और एक ओपेसिटी बंद करके। तो फिर जब हम मूवर पे लाते हैं तो फिर वो कलर ब्लिंक करता है। मैंने बनाया है 3-4 दिन पहले और बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। दो बातें हो गई इकट्ठी, एक तो बैकग्राउंड और एक ये दोनों चीजें मैं आपको प्रैक्टिस करके फिर दोबारा बताती हूँ। ये देखें, अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो स्क्रीन के साथ बनाई थी तो ये बनाया था। ये देखें, जब इसको हूवर करते हैं तो इसके ये कलर डार्क हैं और वो डार्क कलर ब्लिंक करते हैं एकदम से, ठीक है। ये देखें, और एक और अभी जो बनाया है, ये मैं तीनों चीजें आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, एक और चीज सिखाती हूँ अभी आपको, आप मुझे याद करवाना है, ये चीजें मैंने आपको जरूर क्लियर करनी है। ये और एक ये देखें, ये सब कुछ मेरे अपने हाथ की बनी हुई है। और आपको पता है, इन चीजों को एक दफा बना के बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, फिर ये याद में रहती है, ठीक है। मैं आपको, मुझे जरूर याद करवाइएगा, मैं इन दोनों चीजों को क्लियर करके आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। एक तो वो बैकग्राउंड ओवरले और एक ये शेडिंग के आपको हूवर पे लाकर किस तरह से इसको प्रोमिनेंट करना है, ठीक है। मैं अभी इसको सर्च करने बैठूंगी तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वरना हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है और बहुत मजेदार हैं ये दोनों चीजें, आपने अपने साइट्स में इनको जरूर अप्लाई किया करना है। ये करने के बाद ना इन साइट में जान आ जाती है जरा। अच्छा, अगली चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हाँ, एडवांस, जो हमने एडवांस में आके करना है। पाती दो कर्विंग नहीं बताई मैम। हाँ, कर्व हमारे हैं यहाँ पर, ये हमने बनाया था, हमें बताना था बॉर्डर टाइप। बॉर्डर टाइप हम सॉलिड कर रहे थे और हमने सॉलिड किया इसको थोड़ा मोटा, और के बाद फिर यहाँ पे हमने आके कलर दिया। ये मैं सिर्फ आपको लाइन करने के लिए बता रही हूँ, वो बॉर्डर गोल करने की वजह से ये तो प्लस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस साइड पे, इससे आप तस्वीर को बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं, बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं, राउंड शेप, बिल्कुल राउंड शेप की तस्वीर भी लगा हुआ है। चार्जिंग रुक जाओ, ये प्लस साइड में, जरा अपना माइक ऑफ कर दें। ये आपने बिल्कुल राउंड तस्वीर भी आप इससे बना सकते हैं, ये देखिए राउंड होती जा रही है, बिल्कुल राउंड भी हो जाएगी। और अगर आप इसको माइनस साइड पे लाना शुरू कर देंगे तो ये जब आप इसको कम लाना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल चकोर हो जाएगी। ये माइनस साइड पे जब बिल्कुल जीरो पे आएगी उसके बाद माइनस शुरू हो जाएगी तो फिर ये उस पर होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद ये आपका, अच्छा वो तो हम बॉर्डर बना के कर रहे थे, ये देखें बगैर बॉर्डर के, बॉर्डर टाइप नन और रेडियस, इसको हम माइनस साइड पे लेके जाते हैं, उसका रेडियस देखें आप, हम इसको माइनस साइड पे ला रहे हैं और ये स्प्रेड हो रहा है। प्लस में करेंगे तो आपका गोल होगा, माइनस में करेंगे तो चकोर होगा, ये देखेंगे माइनस साइड में बिल्कुल चकोर हो गया, और प्लस में करेंगे तो ये हमने 40 रखा हुआ था, ठीक है, ये हमारा हो गया। और बॉक्स शेडो हमने देख लिया, हमने उसके नंबर्स भी नोट कर लिए। इसके बाद हम आते हैं एडवांस में। एडवांस में आने के बाद हमारी ये तस्वीर है, आपको मैंने तस्वीर के बताया कि दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि स्पेसर डालेंगे, दूसरा तरीका ये है कि डिवाइडर डालेंगे, तीसरा तरीका ये है इस तस्वीर को कि इसको दूसरी तस्वीर के ऊपर कैसे करना है। ये देखें, ये आप मार्जिन ओपन करेंगे,
सिर्फ मार्जिन को अगर ओपन नहीं करेंगे तो, और इधर से आप इधर से नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये ऊपर नीचे सारी चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमें सब चीजों को नहीं ले जाना है, सब कुछ नहीं ले जाना है, ये चारों साइडों से काम करना शुरू कर देगा, हमें चारों साइड से नहीं करना है, इसको सिर्फ ऊपर लेके जाना है। तो इसकी चेन खोलेंगे और ये फर्स्ट इसके नीचे लिखा हुआ है टॉप, शायद आपको ना नजर आ रहा हो, इसके नीचे लिखा है टॉप और इस एक छोड़ के दूसरे के नीचे लिखा है बॉटम। इसी तरह से इस सेंटर वाले के नीचे लिखा है राइट और इस वाले के नीचे लिखा है लेफ्ट। अब आपको तस्वीर को इसके साथ जोड़ना है। मैं पहले आपको सैंपल दिखाती हूँ, मैं करके आ रही हूँ, मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ। मार्जिन के लिए मैं सैंपल दिखा रही हूँ आपको, ये देखें, आपको तस्वीर नजर आ रही है, तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को जी? अच्छा, आप ये भी देख लें, ये देखिए, अब जैसे मेरे हाथ से सेटिंग आउट हो गई है। कंट्रोल प्रेस करके आप माउस के व्हील को ऊपर नीचे करते जाएंगे ना, आपका पूरी की पूरी स्क्रीन छोटी हो जाएगी। कंट्रोल प्रेस करके आप व्हील को करते जाएंगे तो ये ज्यादा हो रहा है और आपकी स्क्रीन बड़ी हो रही है। ये भी देख लें, आपसे कभी स्क्रीन छोटी बड़ी हो जाए तो परेशान ना हो, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप ये देख लें। कंट्रोल प्रेस करके व्हील को ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी स्क्रीन छोटी बड़ी होगी, ठीक है? अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी मार्जिन, मार्जिन क्या काम करता है। ये मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये पूरी साइट नजर आ रही है आपको। ये मुझे किसी ने कल टास्क दिया है कि मुझे एज इट इज ऐसे काम करवाना है। तो ये इसमें आप देखें, एक दो तीन चार पांच कॉलम बने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से। ये किस जगह से हुआ है? मार्जिन से हुआ है। और दूसरा आप इस देखें, इस बॉक्स में ये पीछे सिंपल हीरो सेक्शन है जो आप बनाते रहे हैं अभी तक, अब ये उसके ऊपर ये बॉक्स कैसे चढ़ गया? और इस बॉक्स के नीचे शेड देख रहे हैं आप, इस शेड की वजह से ये उभरा हुआ नजर आ रहा है। शेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं। नंबर एक इसकी शेडिंग चेक करें, नंबर दो इसके मार्जिन चेक करें। ये जो उभरे हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसमें दो टेक्निक्स यूज हुई हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है साइड बनाना। पहले तो उन्होंने सिर्फ ऊपर एक हीरो सेक्शन बनाया, नीचे से पूरी साइट व्हाइट कर दी, पूरी साइट सारे सेक्शन के कलर वन बाय वन उन्होंने व्हाइट कर दिए, या फिर साइड सेटिंग से जाकर पूरे को व्हाइट कर दिया, ठीक है? दोनों काम हो गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये एक सबसे पहले सिंगल कॉलम लिया, उसको फुल विड्थ नहीं किया, उसको बॉक्स रहने दिया। जब हम प्लस प्रेस करते हैं तो उसके अंदर हम शुरू में उसको बॉक्स या फुल विड्थ करते हैं, उन्होंने उसको फुल विड्थ नहीं किया, बॉक्स रहने दिया, उसको बनाया। उसके अंदर ये चार बॉक्सेस वाला उन्होंने खाना लिया, चार बॉक्सेस में अलग अलग कॉन्टेंट डाला, डालने के बाद उसको तैयार करके इसको मार्जिन से ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है? इसकी शेडिंग भी करके इसको हीरो सेक्शन के ऊपर ले गए। नंबर दो, फिर इन्होंने एक कॉलम लिया, कॉलम लेने के बाद उसके अंदर इनर सेक्शन लिया। इनर सेक्शन के अंदर दो पोर्शन होते हैं ना, एक पोर्शन में उन्होंने कंटेंट डाला, दूसरे में उन्होंने सिंपल पिक्चर डाली, फुल विड्थ कर दिया उसको, नंबर दो। नंबर तीन, फिर इन्होंने दो पिक्चर्स ली, दो कॉलम वाला इनर सेक्शन दिया। फिर से इनर सेक्शन लेने के बाद एक की हाइट ज्यादा कर दी, एक की हाइट कम कर दी, दोनों को बराबर नहीं रखा। इस वाले को उन्होंने राइट मार्जिन पे कर दिया और इस वाले को अपनी जगह पे रहने दिया, और इसकी शेडिंग ऐसे कर दी कि जैसे ही वो इसके ऊपर आया हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा एक कॉलम लिया, कॉलम लेने के बाद उसके अंदर इनर सेक्शन लिया, इनर सेक्शन लेने के बाद एक सेक्शन को डिलीट किया, दूसरा सेक्शन में पिक्चर डाली जो ऊपर वाले से छोटी कर दी उसके विड्थ एंड हाइट के जरिए, और इसको उठा के मार्जिन के जरिए उसके ऊपर कर दिया। दैट्स इट, वेबसाइट तैयार, घंटे का काम था। मार्जिन समझ में आया आपको क्या चीज है? आया मैम जी। इसमें हमने क्या किया कि हमें हमारी ये तस्वीर है, अब ये कॉलम है हमारा, इस कॉलम को हम इस कॉलम पे हम काम कर रहे हैं और इसको हमने ऊपर करना है। आप
ये हमने इसको, ये चेन थी, हम सिर्फ ऊपर करना चाह रहे हैं टॉप पे, तो इस चेन को अनचेन किया और इसको करने के बाद ऊपर करना है तो नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे, नीचे वाला एरो, तो ये तस्वीर ऊपर जा रही है। अब आप देखें माइनस कर रहे हैं हम। अब हम इसको फर्ज करें कि 500 कर देते हैं, यहीं से ही नंबर्स को क्लिक करके यहाँ पर हम इसको 500 कर देते हैं, वो उसके ऊपर चली गई, देख रहे हैं आप। अब इसको आप अगर कम कर देंगे, अगर नीचे लाना है, कुछ ज्यादा ऊपर चली गई है, तो ऊपर वाले बटन को करेंगे, ऑपोजिट बटन काम करते हैं ये, ठीक है। नीचे लानी है तो ऊपर वाला बटन, ऊपर लानी है तो नीचे वाला बटन। और अगर आपको फिगर्स नंबर्स याद हो गए हैं तो आप डायरेक्टली नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो आप देख रहे हैं ना उस साइड में कैसे बना हुआ है, उस साइड में ये ऐसे बना हुआ है, उस साइड में ये ऐसे बना हुआ है, उस साइड में आप देखें कि इसी तरह से इसका शेड और वो डला हुआ है, और वो पूरा बॉक्स उसके अंदर उन्होंने चार कॉलम लेके उनमें कंटेंट डाला हुआ है, और उसको बनाकर इस हीरो सेक्शन के ऊपर ऐसे हाफ में रख दिया है, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपको इस तस्वीर को वापस 0-0 करते हैं हम इसको, और ये अपनी जगह वापस आ गई, इस तस्वीर को आपने लेफ्ट पे ले जाना है या राइट पे ले जाना है, ये देखिए अब ये लेफ्ट पे जा रही है, और यहां से ये बाजुकात ऐसा होता है कि जो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट और यहाँ पे राइट, बाजुकात ये इससे प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती, यानी हम लेफ्ट ले जाना चाह रहे हैं और जा राइट रही है, तो वो आपको अपने चारों बटन्स को बारीक, चारों नहीं, लेफ्ट और राइट के लिए सिर्फ सेकंड और लास्ट इन दो को काम करना है, अप एंड डाउन के लिए आपको इन दोनों पे काम करना है, ठीक है। और अप एंड डाउन के लिए तो सिर्फ ये पहला वाला ही काम करता है ज्यादातर, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट के लिए आपको इस पर और इस पर, सेकंड एंड लास्ट, राइट एंड लेफ्ट के लिए आपको इन दोनों पे बारी बारी काम करके चेक करना पड़ता है, जहां आपकी तस्वीर एडजस्ट हो जाए वहां आपको स्टॉप करना होता है, ठीक है। पैडिंग क्या काम करती है, अब ये पैडिंग देखे क्या कर रही है, अगर हम इसके इसको हम ज्यादा कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, इकट्ठा एक साथ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्योंकि स्पेडिंग की जरूरत नहीं है इसलिए इतनी ज्यादा ये शो भी नहीं हो रही। पैडिंग मोस्टली जब आपको चारों तरफ से अपने मार्जिन को इकट्ठा एक साथ बढ़ाना होता है और उसके नीचे के एरिया को कम ज्यादा करना होता है तो फिर काम आती है। देखिए मैम कोई एग्जांपल दें अपनी इसमें वेबसाइट में से, मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी, ये देखें अब आपको नजर आ रहा है, मैंने 100 किया, इसके नीचे जो वो तकिया बना हुआ था ना बेड उसका था, वो बेड कम ज्यादा हो गया, आपको डिफरेंस नजर आया, डिफरेंस पता चला जी। हाँ जो उसके नीचे बेड था, हाँ वो जो नीचे बेड था वो बड़ा हो गया और पिक्चर छोटी हो गई। अब हम इसको कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो ये बड़ा हो रहा है, पैडिंग छोटी हो रही है, ये देखिए, और चारों तरफ से एक साथ हो रहा है। आप अगर चाह रहे हैं कि सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं एक में सिर्फ एक साइड पे करें तो इसको अनचेन करेंगे और फिर आप उस पर काम करेंगे, ठीक है। ये आपकी विल पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके कस्टमर की या आपकी खुद की रिक्वायरमेंट। ये दो चीजें हो गई, पैडिंग एंड मार्जिन। इसके बाद है विड्थ। ये विड्थ हम यहाँ से यूज नहीं करते, ये विड्थ हम पीछे से स्टाइल पे ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम इस विड्थ को बहुत कम यूज करते हैं, इस विड्थ बहुत कम यूज करते हैं, इसके ट्यूटोरियल्स भेजूंगी मैं आपको कहाँ ये विड्थ काम आती है, फिर पता चलेगा। ये है पोजीशंस, ये जो हम पीछे कर रहे थे फिक्स, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंड डिफॉल्ट, ये भी हम पीछे से इस्तेमाल करते हैं, जहां से आपने पीछे देखा कि जब हम इसको फिक्स कर देते हैं वो अपनी जगह ठहर जाती है, ये भी हम पीछे से इस्तेमाल करते हैं। Z इंडेक्स, जी इंडेक्स जो है ये किसी भी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए काम आता है, ये भी मोस्टली हम नहीं यूज करते, ये भी हमारे लिए बहुत कम काम आता है, उसको फर्क देखते हैं क्या पड़ता है, मैं तो उसको यूज ही नहीं करती बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ फर्क पड़ता है, इसके भी मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। ये फ्रंट एंड बैक पे लाने के लिए, बैक को फ्रंट पे लाने के लिए, फ्रंट को बैक पे लाने के लिए काम होता है, ये देखिए ये बैक पे चला जाएगा, ऐसा कुछ इसमें काम होता है, लेकिन इसके भी मैं आपको ट्यूटोरियल भेजूंगी वो आप देखिएगा। ये CSS में मोस्टली काम आता है, जब हम CSS और HTML डालते हैं तो तब ये काम आता है Z index। इसके ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह भेजूंगी और आपसे काम करवाऊंगी इसका, इंशाल्लाह Z index का काम
जी इंडेक्स, सी एस एस आई डी और क्लास सी एस एस क्लास, इन तीनों चीजों के काम के लिए मैं आपको ट्यूटोरियल भेजूंगी। ये जो ये वाले काम है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला काम ये देखें, ये ग्लास इफेक्ट, मिरर इफेक्ट, ये वाला काम, ये विंडोज, ये वाला काम, ये सारे काम जी इंडेक्स, सी एस एस फाइल और सी एस एस कस्टम से हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये रिफ्लेक्शन, ये वाला काम, ये वाले काम के लिए बारी बारी मैं आपको वीडियोस भेजूंगी और आपसे काम करवा करवा कर देखूंगी, ठीक है। अभी हमारे जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो हमारे तकरीबन एक महीना प्रैक्टिस सेशन चलेगा इंशाल्लाह। उसमें हम ये सारे एलिमेंट्स काम करेंगे, बारी बारी सारे एलिमेंट्स पे काम करेंगे। हम किस पे काम कर रहे थे? अच्छा, इधर हम आ गए, हमने ये इस पे अब हमारे चार काम पेंडिंग हो गए, तीन काम पेंडिंग हो गए। एक तो हमने बैकग्राउंड इमेज पे काम करना देखना है, नंबर दो हमने वो हूवर इफेक्ट, हूवर इफेक्ट के जरिए हमारी आउटलाइन किस तरह काम करिए वो, नंबर तीन हमारा ये सी एस एस फाइल वाला काम, ये तीन हमारे पेंडिंग काम है, ठीक है। इसके बाद हमारा है मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट बड़ा ही मजे का है, ये कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये मैंने किसमें बनाया हुआ है, पहले मैं आपको दिखाऊंगी फिर मैं आपको समझाऊंगी। किसमें बनाया हुआ था मैंने, हाँ वो जो स्मूथ सेलिंग मैंने आपको कल दिखाई थी उसमें था, है ना। ये देखें, ये काम सारा मैंने मोशन इफेक्ट से किया है। ये देखें, ये साइकिल कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, और जब ओपन होती है तो एकदम से ब्लिंक करती है। इसके अलावा ये देखें, ये सारे काम ये मेरे माउस के साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट है सारा। इसके अलावा इसमें ये वाला, ये सारा काम स्क्रॉलिंग इफेक्ट से हुआ हुआ है, ठीक है। ये चीजें अब हम इसको फोकस करते हैं, आते हैं अपने साइट पे और यहाँ पे हम आते हैं स्क्रॉलिंग इफेक्ट। हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास इतनी सारी विंडोज खुल गई हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले रोटेट जो वो वहां हुआ था, ये देखें, ये हमने जब इसको रोटेट किया, ये देखें वो जो मैंने वहां पे चीज बनाई हुई है, ये हम मैं माउस ऊपर नीचे कर रही हूँ, ये रोटेट कर रहा है, वो जो मैंने वहां वो चीज बनाई हुई है, वो सिर्फ एक, इन सारों में सिर्फ एक रोटेट इफेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और मैं जितना ज्यादा बढ़ाती जाऊंगी उतना ही ज्यादा रोटेट करता जाएगा, जितना ज्यादा मैं इसको कम करती जाऊंगी उतना कम रोटेट करेगा। ये देखें, और ये हर जगह नहीं अच्छा लगता, बहुत कम, वेरी रेयर ये सूटेबल होता है, वरना ये चीप लगता है। अच्छा, टॉप टू लेफ्ट, टॉप टू टू लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर वो चाहे तो लेफ्ट को रोटेट करे चाहे तो राइट को रोटेट करे, और इसका ये हो गया। और व्यू पार्ट में आप इसको कौन से एरिया में सूटेबल आपको लग रहा है देखने में, कहाँ तक जाना स्क्रॉल करना चाहिए, इसको ऊपर से रोटेट पूरा ही घूम जाना चाहिए या एक स्पेसिफिक वे तक इसको रोटेट करना चाहिए, ये इधर से आप चेंज करेंगे, यहाँ से आप सेट करेंगे इसको, ठीक है, इधर से इसकी आप सेटिंग करेंगे। मोस्टली इसको ना ही छेड़े तो अच्छा है, सिर्फ स्पीड को सेट करें बस। इसके बाद अगर हम बारी बारी बाकी सारे इफेक्ट खोल के देखते हैं, इनमें आप अगर आप करेंगे, हम उसको खत्म करते हैं बारी बारी सबको करेंगे, खत्म करना है तो यहाँ से रीसेट कर देते हैं। अब हमने सबसे पहले खोला वर्टिकल स्क्रॉल, वर्टिकल स्क्रॉल हम खोलते हैं, इसकी स्पीड को थोड़ा ज्यादा करते हैं। ये तस्वीर ऊपर से नीचे होती है, ये तस्वीर ऊपर हो गई, ये देखें, ये हेडिंग ऊपर नीचे जा रही है, हमारी हेडिंग ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। और इसकी स्पीड को हम ज्यादा करके देखते हैं, तस्वीर हमारी ऊपर नीचे जा रही है, हेडिंग वही है, तस्वीर ऊपर नीचे जा रही है हमारी। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे हमारे साथ साथ हमारी तस्वीर भी ऊपर जाएगी, हम नीचे जाएंगे तो तस्वीर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, हम ऊपर जा रहे हैं तो तस्वीर नीचे जा रही है, हम नीचे जा रहे हैं तो तस्वीर ऊपर जा रही है। ये अप एंड डाउन अलग अलग सेटिंग है इनकी, ये हमारे साथ साथ तस्वीर भी जा रही है ऊपर, हम नीचे जा रहे हैं तो हमारे साथ साथ
तस्वीर भी नीचे जा रही है। ये भी बहुत प्यारा इफेक्ट है इसके, इसका भी एक मैंने पूरा ट्यूटोरियल देखा था, उसमें उसने ना पहाड़ बनाए हुए थे, सनराइज का सीन उसने दिखाना था कि जब मॉर्निंग होती है तो सन कैसे नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ आता है। तो अब आपको मेरे ख्याल में समझ में आई होगी इस वर्टिकल स्क्रॉल की, कि जैसे जैसे वो हम साइड को ऊपर करते हैं, सूरज पहाड़ों के बीच में से, सब्जे के दरमियान में से निकल के ऊपर राइज होता है। ठीक है, सनराइज इफेक्ट में हमारी ये चीज बहुत काम आती है। तो उसने दिखाया था कि पानी दरिया है, उसके अंदर से डूबता हुआ सूरज निकलकर ऊपर से नीचे जा रहा है, डूब रहा है, या सुबह का वक्त है तो सूरज निकलकर ऊपर आ रहा है, चांद और सूरज की उसने इफेक्ट के लिए एक ट्यूटोरियल मैंने देखा था, उसने ये वाला ऑप्शन यूज किया था। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में अच्छा, अब ये सारी चीजें बारी बारी वन बाय वन करके आप अपने एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं, इनको आपको सबको करके खुद ही कर करके देखना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको ऑप्शन दिखाया है मैंने कि यहाँ पे ये चीजें काम कर रही हैं। अब मैं आपको एक और भी दिखाऊंगी अगर मुझे याद आ जाए। उसमें मैंने बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत एक काम, ये मतलब सिर्फ एक पतला सा कॉलम बनाया है और उसके अंदर ना सिर्फ उस कॉलम के अंदर मैं वो आपको चीज दिखाना चाह रही हूँ, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि आप उसमें काम क्या क्या कर सकते हैं। दिखाती हूँ एक सेकेंड। अच्छा मैम, इसका ना ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन जरूर करके दिखाएगा। आप सारे ऑप्शन खुद क्यों नहीं बारी बारी अब चेक करते? इसके अंदर बहुत सारा काम है चेक करने के लिए, थोड़ा बहुत नहीं है। मैम मैंने किया था, वो हो नहीं रहा था। एक सेकेंड। ये देखें, देख रहे हैं, ये मैंने टैब बनाया, हेडिंग टैब। हेडिंग टैब बनाने के बाद वो उसके अंदर वो बिल्ली है और वो झांक रही है, उस टैब के अंदर से झांक रही है, ये मैंने उसी से बनाया है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट से। ठीक है, टैब के अंदर, टैब के अंदर आपने पिक्चर ऐड कर दी है बजाय कलर चेंज करने के। कहां पे किया ये मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप ये नया सेक्शन लेते हैं, ये नया सेक्शन आपने लिया और इसके अंदर आप लाकर यहाँ से हेडिंग डालेंगे, यहाँ आपने हेडिंग इफेक्ट डाल दिया और इसका जो बैकग्राउंड है ये हेडिंग आपने टेक्स्ट जो भी आपने देना है वो आपने इसको बिल्कुल राइट पे कर दिया, बिल्कुल लेफ्ट पे कर दिया और इसके बैकग्राउंड में आया आप, यहाँ पे आकर आपने स्टाइल में कोई पिक्चर दे दी तो वो पिक्चर लाकर आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट करना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड उसका आपको ट्रांसपेरेंट करना होगा, या फिर ये कि ये देखें वाइट है तो वाइट उसके अंदर कर रहा है। इसको हम सेंटर सेंटर करेंगे, डिफॉल्ट रहने देंगे इसको, रिपीट नो रिपीट करेंगे, सिंगल रह गया और इसको हम यहाँ से लाकर कवर कर देंगे और ये कवर में सूटेबल नहीं है तो हम इसको हम इसको सेंटर सेंटर नहीं करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे लाकर सेट करना चाहेंगे, हमें अपनी पोजीशन के हिसाब से इसको सेट करके देखना है। हम इसको कस्टम करते हैं, कस्टम करने के बाद हम इसको सिर्फ डॉग को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, उसके अपर एरिया को हम दिखाना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ ये डॉग इतना सा नजर आ रहा है। ठीक है, हमने इस डॉग को जैसे मैंने बिल्ली का किया था, मैं वो आपको दिखा रही हूँ, बिल्ली पूरी ली थी ऊपर से, सिर्फ उसकी आंखें ली थी कि वो झांक रही है उसके अंदर से। ठीक है, ये लिया और हम वापस उधर क्यूब में आए। क्यूब में आने के बाद क्यूब में नहीं आना, हमें सेक्शन में ही रहना है और रह के हम एडवांस में आए। एडवांस टैब में आके मोशन इफेक्ट में आए। मोशन इफेक्ट में आने के बाद स्टाइल में ही हम रहे। स्टाइल में आने के बाद हमने यहाँ से आकर काम, मैंने यहाँ से काम किया, माउस इफेक्ट में आई और माउस इफेक्ट में आने के बाद ये देखे, माउस इफेक्ट में आने के बाद ऑपोजिट साइड नहीं किया मैंने, डायरेक्ट किया, यानी जहां माउस ले जाऊंगी वहीं ये डॉग स्क्रॉल करेगा। थोड़ा इसको स्पीड बढ़ा देते हैं।
ये माउस को मैं राइट ले जा रही हूँ तो राइट जाएगा, लेफ्ट ले जा रही हूँ तो लेफ्ट जाएगा, ऑपोजिट करना है तो ऑपोजिट साइड पे राइट लाऊंगी तो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट लाऊंगी तो राइट आएगा, अगर ऊपर नीचे करूंगी तो फिर ये नहीं करेगा। ठीक है, वो जो हम वो इफेक्ट देख रहे थे ना स्क्रॉलिंग इफेक्ट, वो हमारे स्टाइल में भी आ रहे हैं। ये स्टाइल है और ये हमारा स्क्रॉलिंग इफेक्ट है, यहाँ से वो सारे इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं, ये देखिए सर ना खुशबक्त ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की तो ये वही तस्वीर ट्रांसपेरेंट हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ओके, ये आपका टैब बन गया। ये सारे बस सारे एक्रोबेट्स हैं, आप इनके इनको करके अपनी साइट को खूबसूरत भी बना सकते हैं, लेकिन टेक्निक क्या है कि उसको आप उसको एग्जैक्ट जगह पे यूज करें। हर जगह पे यूज करने लगे तो पता लग जाएगा ये बंदा नया है और तजर्बे कर रहा है। ठीक है ना, जैसे मैंने अब आपको इसको राइजिंग इफेक्ट बताया, ये वो राइजिंग इफेक्ट के अलावा अगर आप उसको कहीं यूज करेंगे तो वो एक अजीब सा इफेक्ट देगा, भी कुत्ता कभी ऊपर भागा जा रहा है कभी नीचे भागा जा रहा है, तो वो तो इररिलेवेंट सी चीज लग जाएगी ना। तो इस वजह से आपने उस इफेक्ट को उस जगह यूज करना है जहां वो नेचर के साथ मैच करे। ठीक है, ये हमारा ये हो गया बैकग्राउंड हमारा। अच्छा, हमने सबसे पहले हम एडवांस पे काम करे थे, हमने ये कर लिया, मोशन इफेक्ट देख लिया, मोशन इफेक्ट में हमने सारा कुछ देख लिया। एंट्रेंस एनिमेशन ये देखें, स्टिकी वाला भी जो है ये हम चाहे तो इधर से लाकर टॉप में स्टिक कर दें, बॉटम में स्टिक कर दें, नन कर दें। ठीक है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट ये आ गया। अब ये है एंट्रेंस इफेक्ट, ये वाला भी बहुत मैं यूज करती हूँ, ये इफेक्ट बहुत यूज करती हूँ। जैसे ही हमारी साइट ओपन होती है, मसलन जैसे ही मेरी ये साइट बंद होके ओपन होती है तो एकदम से ये बाउंस करती है, ये साइकिल ना बाउंस करती है, ऊपर से नीचे तक आती है, सिर्फ एंट्रेंस पे बाउंस करेगी, उसके बाद ये बाउंस नहीं करेगी। मैंने वो इफेक्ट कहाँ से डाला, यहाँ से। क्या हो गया, हाँ ये देखिए ना, यहाँ से लाकर अब ये जब मैं सिर्फ ओपन करूंगी तो यहाँ से वो मुख्तलिफ इफेक्ट आएंगे। ये मैंने बाउंस किया, उसको मैंने सिर्फ बाउंस इफेक्ट दिया और ये बाउंस इन बाउंस आउट, ये मैंने उसको इफेक्ट किया। जैसे ही हम साइट ओपन करेंगे यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप डालेंगे तो वो एकदम से वो इफेक्ट फॉरन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये रोल इन है तो जब हमारा ये जब हम इसको अभी आपने देखा कि मैं इस पे थी, इस पे आती हूँ किसी एक पिक्चर पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। मैम हिडन वाले को ही करें ना, इससे आइडिया हो जाएगा। इसको नहीं, ये नहीं होगा, इस पे प्रोमिनेंट नहीं होगा, ये पिक्चर पे प्रोमिनेंट होगा, उस पे भी हो सकता है, उस पे प्रोमिनेंट नहीं होगा। मोशन इफेक्ट में हम गए, मोशन इफेक्ट में ये मोशन मतलब यानी कि कोई चीज जो हरकत में है उसमें आप कोई भी इफेक्ट लाना चाह रहे हैं, उसको स्क्रॉलिंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं, माउस इफेक्ट देना चाह रहे हैं, स्टिकी करना चाह रहे हैं, या एंट्रेंस में वो इफेक्ट सिर्फ एंट्रेंस में देना चाह रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर जूम इन करेंगे, ये देखें। मैम वो जो आपने एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट दिखाई थी हमें कि आप लोगों ने इस तरह बनाना है, तो मिस वो जो अंदर जो स्क्रॉलिंग हो रही है वो उसी से करी है आपने इफेक्ट से ना, ये वाली स्क्रॉलिंग? नहीं नहीं नहीं, जो मैम आपने सेलिंग वाली जो दिखाई थी, सेलिंग की कौन सी थी वेबसाइट जो कल जिस पे साइकिल है, ये नीचे वाला आपका, ये जो साइकिल इफेक्ट कर रही है, स्क्रॉल कर रही है? नहीं नहीं मैम, आखिरी वाला, ये नहीं आखिरी वाला मैम, आखिरी इस पे पे एंड वो जो एंड वाला, ये नहीं, इस पे पिक्चर्स आपकी जो घूम रही थी साइकिल्स की वीडियोस। बहरहाल वो जो भी चीजें हैं वो पता नहीं कौन सा वाला आप कह रही हैं, तो मैम जिसका हमने अभी साइकिल दिखाई है ना उसी का था। जी जी इसमें क्या चीज रोटेट कर रही है, नीचे है यहाँ तो, अच्छा ये तो वीडियो डली, ये तो वीडियो डली हुई है, ये नहीं नीचे मैम, क्या कहाँ चले गए बॉक्सेस थे ना अभी जिसपे आपने पिक्चर अपलोड की हुई और वो रोल में हमें स्क्रॉलिंग हो रहे हैं। हाँ तो ये वाला है ना, ये तो ये वाला है ना, ये था मैम, ये टी शर्ट जो
स्पोर्ट्स टी शर्ट उस पे स्क्रॉल कर रही है ना पिक्चर्स, हां स्पोर्ट्स के अंदर स्क्रॉलिंग कर रही है। इसमें तो कुछ इफेक्ट नहीं है ये जी ये वाला जी जी हाँ, ये उसमें सिर्फ मैंने माउस इफेक्ट दिया बस, इसमें और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ माउस इफेक्ट दिया इसमें, और कोई मैंने इसके अंदर चीज इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ माउस इफेक्ट ये वाला, ये सिर्फ माउस इफेक्ट स्टाइल में जाकर मैंने किया है, ये एडवांस से नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ स्टाइल में जाकर किया है। सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ मैम, लेकिन आपका जब ये स्क्रॉल हो रहा है ना तो शेड लाइट एंड डार्क, आपने उसमें भी शेडिंग भी करी है साथ पिक्चर में? ये बिल्कुल ऐसे किया है जैसे इसको किया है, पहले मैंने इस तस्वीर को बना लिया, बनाने के बाद इसमें मैं माउस इफेक्ट दे दें बस, ठीक ये इस तरह बन जाएगा। बाकी ये हम एडवांस में बाकी टेस्ट भी अच्छा देखिए, स्टाइल में पिक्चर देने से क्या फायदा है और कंटेंट में पिक्चर देने से क्या फायदा है, ये आपने अलग अलग फायदे इसके देख लिए हैं। जब हम स्टाइल में दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर आके वो इफेक्ट्स मिल रहे हैं, माउस इफेक्ट एंड स्क्रॉलिंग इफेक्ट ये देख रहे हैं। अगर हम कॉन्टेंट में पिक्चर डाल रहे हैं, कॉन्टेंट में लाकर यहाँ से लाकर इमेज डाल रहे हैं तो ये देखें, स्टाइल में हम आते हैं तो यहाँ हमें वो इफेक्ट नजर नहीं आ रहे, ना स्क्रॉलिंग इफेक्ट नजर आ रहा है और ना बैकग्राउंड ओवरले नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ना बैकग्राउंड ओवरले नजर आ रहा है ना वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ये कंटेंट में पिक्चर डाली हुई है, ये कंटेंट में पिक्चर डाली हुई है। जब हम स्टाइल में पिक्चर डालते हैं, ये हमने स्टाइल में पिक्चर डाली हुई है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में पिक्चर डालने के बाद आप उसके साथ बहुत सारी सेटिंग कर रहे हैं, ये देखें यहाँ यहाँ यहाँ, फिर स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं, फिर माउस इफेक्ट भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद बैकग्राउंड ओवरले भी दे रहे हैं, ये बैकग्राउंड ओवरले आप देख रहे हैं ना, हूवर इफेक्ट और ये सारा इफेक्ट, और इसके बाद बॉर्डर का इफेक्ट वो भी इधर से ही आएगा, इसके बाद ये बॉर्डर इफेक्ट भी इधर से ही आएगा, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, हालांकि ये बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है ये माउस इफेक्ट देना, पता नहीं क्यों मेरे माइंड से निकल गया, मैं इंशाल्लाह उसको देखती हूँ, और जो चीज मुझे चिपक जाए ना फिर मुझे पूरा दिन टेंशन देती है जब तक मैं उसको करना लूँ। अच्छा ये चीजें थी, और बैकग्राउंड ओवरले में सिर्फ पिक्चर हम देते हैं, वो जो सबसे पहला मैंने आपको करवाया है ना ओवरले, सबसे पहला मैंने आपको करवाया था, डेमो इंपोर्ट करवाया था, उस डेमो के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड में पिक्चर है, आप देखिएगा उस डेमो को अगर आप इंपोर्ट करके देखें ना तो सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर है, जैसे ये बैकग्राउंड में पिक्चर है, स्टाइल में आए, बैकग्राउंड ओवरले में पिक्चर डाली, वहां उस लेआउट में आप अगर चेक करें ना तो कहीं पे पिक्चर आपको नहीं मिलेगी, वो जाके मिलेगी आपको बैकग्राउंड ओवरले में, इधर आ गई है देखो, वहां नहीं आ रही थी, देखा है आपने, यहाँ आ गई है, ये बैकग्राउंड ओवरले में हमने पिक्चर डाली, इसके इसको आके हमने सेंटर सेंटर किया और रिपीट को नो रिपीट किया और कवर किया, क्लियर किया, इसके लेआउट में गए, मिनिमम हाइट की और इसकी हाइट बस ठीक है, और इसकी हाइट को बढ़ा दिया, ये पिक्चर अच्छी नहीं है, ऐसी पिक्चर कभी मत लीजिएगा जो जिसके पिक्सल्स खराब हो जाएं, कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा, पिक्चर ही ऐसी उठाइएगा कि जिसके पिक्सल्स ना खराब हो। बैकग्राउंड ओवरले में गए, बैकग्राउंड ओवरले में जाने के बाद आपने CSS फाइल से जाकर इसको थोड़ा डार्क इफेक्ट कर दिया, अगर पिक्चर आपकी कभी ऐसी बुरे बुरे से पिक्सल वाली आ भी जाए ना तो उसको डार्क ही कर दें, नजर ही ना आए उसके पिक्सल फटे हुए, नजर तो फिर भी आ जाते हैं, ठीक है, आपने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, इसके ऊपर लाके हेडिंग डाल दी और ये अच्छी सी पिक्चर आपकी बन जाएगी, और हम यहाँ से आके इसके अटैचमेंट को फिक्स कर देंगे और यहाँ से ये इसके ऊपर स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बैकग्राउंड में थर्ड ऑप्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है एक इशू तो सॉल्व हुआ, ठीक है, यानी बैकग्राउंड में आपको तीन जगह पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, एक तो आपकी पिक्चर आपको बिल्कुल ये क्यूब के जरिए मिल रही है इमेज, दूसरा इमेज आपको मिल रहा है बैकग्राउंड से, और तीसरा इमेज आपको मिल रहा है बैकग्राउंड ओवरले से, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड में पिक्चर डाल रहे हैं
तो बैकग्राउंड में पिक्चर डालने के बाद उसके ऊपर डार्क कलर कर देना, वो भी आपको ओवरले से मिलेगा। एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देख रही हैं आप ऊपर तस्वीर, कोई और नजर आ रही है? शायद आप हैं हमारे साथ, शायद नहीं है हमारे साथ। जी मैम, नहीं जी मैम, देख रहा हूं। मैं आपको ओवरले और बैकग्राउंड की पिक्चर का फर्क बता रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड में ये पिक्चर डाली और उसके ओवरले में मैंने ये पिक्चर डाली, आप देख रहे हैं हूवर इफेक्ट। जी जी। बैकग्राउंड में मैंने ये पिक्चर डाली और फिर मैं उसके ओवरले में गई और वहां जाकर मैंने हूवर इफेक्ट में ये पिक्चर डाल दी, ये देखें। एक ये तजर्बा, ये एक कर्तव्य कहेंगे इनको, ये हमारे एक्रोबैट्स ही हैं जिसकी वजह से हमारी तस्वीर जो है, ये देखें, ये तस्वीर चेंज करनी है अभी। ये तस्वीर सबीन बना रही है, उनके हस्बैंड की ये कंपनी है, वो इंजीनियर है माशाल्लाह, उनकी वेबसाइट तैयार हो रही है, ये बस का थोड़ा सा ही काम रह गया है इसका। पोर्टफोलियो बना लिया है उन्होंने, ये देखें उन्होंने इधर पोर्टफोलियो भी बनाया है। आप चारों ने पहले अपना अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाना है, ठीक है? ये इनके हस्बैंड का, इन्होंने पोर्टफोलियो तैयार किया है और पोर्टफोलियो में आपने आके, जहरा मैं आपको एक पोर्टफोलियो का कह रही थी, आपने पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही सेक्शन बनाना है, ठीक है? वो मैं आपको दिखाती, मैं आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखाती हूँ जो आपने सिर्फ बनाना है, वो ये वाला बनाना है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें जरा, आपने ये वाला सिर्फ एक पोर्टफोलियो में सेक्शन बनाना है, ये देखें, सिर्फ ये, सिर्फ ज्वेलरी, सिर्फ वेडिंग फेवर, सिर्फ निकाह के ये हैं और ये मिरर्स और डेकोरेशन, यानी आप देखें कि सबके सब इकट्ठे भी आ जाएंगे। और ये अगर आप ये आप लेंगी तो इसके अंदर आठ आठ तस्वीरें डाल दें, आपको जितना भी काम आता है, जितना भी काम आता है, आपने टैग बढ़ाते जाने हैं और अपना काम दिखाते जाने, आपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ये चीज डालनी है, ठीक है? मुझे ट्यूटोरियल और ये भेज दीजिएगा ना, मैं हाँ ये मैं आपको भेज दूंगी। ये उन्होंने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो बनाया है, आप लोगों ने भी यही वाला पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सीवी पूरी बनाई जाती है और सीवी जो है वो डाउनलोडेबल होती है, ठीक है? इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके स्किल्स को शो कर रहा है। और इसके अलावा आपका ये वाला वही सेक्शन है, इस सेक्शन में आप आके अपनी अपनी, इन्होंने भी ये देखें इसमें अलग अलग तस्वीरें इन्होंने एक एक डाली हुई है, लेकिन आप ज्यादा ज्यादा तस्वीरें डालेंगे, ठीक है? ये आपका फिर नीचे इस तरह से आपने पोर्टफोलियो अपना तैयार करना है, ठीक है? मैम इन्होंने सेक्शन बना के इसके अंदर दोबारा से इन्होंने ये मेन्यू डाला है, ये मैं पूरा पोर्टफोलियो का वीडियो भेजूंगी आपके पास, आपने उसके साथ काम करना है वन बाय वन, ठीक है? ये काम आपका, आप चारों का फर्स्ट टास्क जो है पोर्टफोलियो बनाना होगा। इस पोर्टफोलियो वेबसाइट के जरिए आप शुरू से वेबसाइट की छोटी 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 चीजें देखेंगे जो मैं नहीं बता सकती। मैम ये दो दिन में हम अपना फिर पोर्टफोलियो रेडी कर लेते हैं, मेरा सबसे पहले आप लोग अपना अपना पोर्टफोलियो रेडी कर लें। लेकिन मेरी बात सुनो, पोर्टफोलियो रेडी करने से पहले अब आपने मेरी साइट पे काम नहीं करना, अब आपने अपनी अपनी साइट, जरा आपकी तो है अपनी, लेकिन बाकी आप तीनों जो है ना मिलकर एक वेबसाइट परचेज करें और वो करने के बाद फिर आप लोग अपना काम स्टार्ट करें। आप अपनी साइट पे काम जिस दर्द के साथ करेंगे ना, वो यहाँ नहीं करेंगे आप, ठीक है? मैं हॉस्टिंग में बाय कर रही हूँ अभी, सना और के नाम है बता दें, शाहिद जी चाहिए तो बता दें। सना और शाहिद आप दोनों जब खुशबख्त जब आप होस्टिंग बाय करें तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर करें और सना और शाहिद भी देखें कि होस्टिंग से लेकर डोमेन अटैच करने तक, दोनों डोमेन जब वो अलग से अटैच करेंगे तो उसको जाके होस्टिंग में अटैच कैसे किया, परचेज करेंगे तो वो जाकर होस्टिंग में अटैच कैसे की जाती है, वो दिखाना है मुझे आपको। जहरा आपको भी दिखाना है कि अगर हम अलग से डोमेन खरीदते हैं तो उसको किसी की होस्टिंग में जाके अटैच कैसे करते हैं, वो दिखाना है आपको, ठीक है? ये काम आप चारों को इकट्ठे करवाना है मैंने, वो भी एक अलग तजर्बा है क्योंकि जब आपको क्लाइंट का काम आएगा। अच्छा अब ये हमारा, पहले मैं उसको कंप्लीट कर दूं उसके बाद मैं आपको फाइनल बात करती हूं। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, मैंने उनको आज 11 के बजाय 11:30 का टाइम दे दिया है, मुझे पता था थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा एक मैंने अभी आपको ये भी बताना है, फुल स्क्रीन साइट कैसे ले सकते हैं, ये देखें आपकी फुल स्क्रीन, आपकी फुल वेबसाइट शॉट कैसे ले सकते हैं आपकी पूरी, ये थोड़ा फास्ट है इसको अभी स्लो करूंगी, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, इसको थोड़ा स्लो चलाएंगे और ये चल पड़ेगी, ठीक है? स्लो चलाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे तक आपकी साइट नजर आएगी, ये भी बताना है मुझे अभी आपको। हम इधर आए आपकी साइट में, हम इसको काम कर रहे थे, इसमें हम एडवांस का देखते कुछ और रह तो नहीं गया, पोजिशन हो गई, मोशन इफेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म में ये वही स्क्रॉलिंग, बैकग्राउंड बिल्कुल वही काम कर रहा है जो हम पीछे कर रहे हैं, ठीक है?
बैकग्राउंड में हम वही काम कर रहे हैं जो पीछे काम हो रहा है। ये इन्होंने कोई यहाँ तस्वीर डाली होगी किसी बैकग्राउंड में, ये जो मैंने प्रीमेड लेआउट उठाया था ना, ये उसमें उन्होंने बैकग्राउंड में तस्वीर डाली होगी कोई, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड वही काम कर रहा है जो हमने स्टाइल में काम किया था, ये बॉर्डर भी वही काम कर रहा है जो हमने बैक में किया है। मास्क, ये बहुत मजे की चीज है, ये देखिए आप इस तस्वीर पे हम आए, इधर हम हमने आके मास्क को ओपन किया, ये देख रहे हैं आप, ये सर्कल शेप में आ गया। इसको हम फ्लावर शेप में लाए, फ्लावर शेप में आ गया, ये देखें अलग अलग शेप बन रही है। ये मैंने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट में यूज किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अलग अलग। अब इनकी सेटिंग आप आकर, ये मैं आपको पहले सैंपल दिखा दूं, इसमें नहीं है, कहाँ की मैंने बंद तो नहीं कर दी कहीं, ये देखें, ये देखें नजर आ रहा है आपको ये इफेक्ट, ये कैसे बनाया मैंने, मास्क के थ्रू, मास्क के थ्रू बनाया। और मास्क में ऑप्शन कौन सा यूज किया, बॉल, ये देखें, ये मैंने मास्क लिया, इसमें मैंने ये ब्लॉब, ये ब्लॉब ऑप्शन यूज किया, ये देख रहे हैं सेम, ये देखें। अच्छा, मैंने इसके पूरा सबसे पहले मैंने साइड सेटिंग से जाके ना, ये जो पंजे से सारे पॉज बने हुए हैं कैट पॉज, पहले मैंने इसको बैक इफेक्ट दिया यहाँ पे, पहले मैंने फुल साइड पे पॉज दिए थे, फुल साइड पे वो अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, ये कहाँ से बनाया है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला इफेक्ट, ये याद है आपको किधर से बनाया है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। ये मैम कल बनाया था अपने दोस्त से, देख के नहीं बताएं, वैसे बताएं, हमने शेप डिवाइडर से बनाया था, याद है आपको, शेप डिवाइडर से हमने ये सारा शेप बनाना सीखा था जी, ठीक है, शेप डिवाइडर से हमने बनाया था। शेप डिवाइडर में हमने यहाँ जाकर, यार टेंशन शुरू होगी अगली क्लास की, ये हमने इधर स्टाइल में आके, इधर स्टाइल में हम आते हैं, और ये तो हम इस पे आए, ये हम जब तस्वीर बैकग्राउंड में डालते हैं तब हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं, कहाँ गया शेप डिवाइडर, इधर ही था ना कहीं, देख लीजिएगा आप, ठीक है, यही कहीं था शेप डिवाइडर, कहां से डाला था हमने, ये बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड में हम इधर आए, तस्वीर में स्टाइल में आए, ये शेप डिवाइडर, इधर से मैंने वो आपको मैं जो सारा कुछ बता रही हूँ, इधर से मैंने उसको नीचे से शेप किया, ठीक है, जैसे ये सना निकल चेंज, खुशबक ने चेंज किया, ठीक है, ये शेप डिवाइडर से मैंने उसके अंदर वो चीजें बनाई है, शेप डिवाइडर से इसको, ये शेप डिवाइडर से बना हुआ है। और ये वाला मैंने इधर कैरोसेल इमेज डाला हुआ है, मीडिया कैरोसेल नहीं डाला मैंने, इमेज कैरोसेल डाला हुआ है, मीडिया कैरोसेल नहीं डाला। और ये यहाँ पे टैब में शेड दिए हुए, यहाँ मैंने बॉक्सेस राउंड किए हुए, ये उसकी कैटेगरीज दी हुई हैं। और इसके अलावा ये मैं उसी से फीचर्ड प्रोडक्ट, यानी पीछे से जिन प्रोडक्ट को मैंने स्टार किया था, बस वही मैंने यहाँ लाके शॉर्ट कोड डाला और वो इमेजेस इधर आ गए। फिर इसके बाद ये वाला मैंने स्क्रॉलिंग इफेक्ट से किया हुआ है, ये ब्लॉब ऑप्शन दिया है मैंने मास्क में, ये वहां से आया हुआ है, ये गैलरी बनाई है, ये मैंने गैलरी कहाँ से उठाई है, ये देखें, इधर मैं गई, आपके वाले पे लेकर आती हूँ, मैं इधर गई और इधर आके मैंने एक सेक्शन और लिया, इसे लिया, ये लिया, और ये लेकर मैं यहाँ क्यूब में आई, और यहाँ पे मैंने लिखा गैलरी, इमेज गैलरी, इमेज बॉक्स में सिंगल बॉक्स होगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन की जगह होगी, ये देखिए ये वाली गैलरी, ये गैलरी जो है ना, ये आपको सिर्फ प्रो में मिलेगी, प्रो के अलावा नहीं मिलेगी, यानी अनइवन पिक्चर्स, कोई छोटी कोई बड़ी तस्वीर। अब इसके अंदर जाकर आप यहाँ पे तस्वीरें डालेंगे और ये ऐसी गैलरी बन जाएगी, ये गैलरी हमने खुद बनाई है, जैसे इसी तरह की वो गैलरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। कहाँ मैंने अभी खोला था ना,
ये भी गैलरी है, ये सिंपल गैलरी है, सिंपल गैलरी है। ये वाली गैलरी, अब ये गैलरी जिस जितनी दफा मैं इसको ओपन करूंगी ना, ये गैलरी की सेटिंग चेंज होगी। जितनी दफा मैं इसको ओपन करूंगी, कोई तस्वीर किधर चली जाएगी, कोई तस्वीर किधर चली जाएगी, हर दफा सेटिंग चेंज होगी। ये वाला भी मैंने उसके जरिए बनाया है, शेप डिवाइडर के जरिए, ठीक है। और ये डॉग ऊपर से अलग से लेके इसके पिक्चर्स किए हैं पॉज, और ये वाला, ये फुटर मैंने सिंपल ही बना दिया था, लेकिन फिर उसने दोबारा डिमांड की कि नहीं मुझे अलग चाहिए, तो मैंने विजेट्स के जरिए खुद से बनाया, क्योंकि मुझे उसकी डिमांड पे बनाना पड़ा। कैटेगरीज और सर्विसेज और ये सब उसने मुझे कहा था आप डालें, तो मैंने डाला है, वरना मैं मोस्टली कॉपीराइट ही लिख के पारी कर देती हूँ, ठीक है। और बस ये सेक्शन ये देखें, इसके अंदर पॉज इफेक्ट डाले हैं लेकिन स्क्रॉलिंग इफेक्ट नहीं। ये गैलरी हमने इस्तेमाल की हुई है। अब हमारा वहाँ पे क्या रह गया एडवांस में, एडवांस में हमारा क्या रह गया है, अब मास्क हमने देख लिया। मास्क में हमारे ये ऑप्शन आप देखें, हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारा ये इधर से आके हमें फिल फिट एंड कस्टम के जरिए उसके उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो भी शेप आप लें वो आप शेप यूज करेंगे, और इसके बाद पोजीशन, आपको पोजीशन ये जो है रिपीट और साइज, इन तीनों से जाकर अपनी तस्वीर को चेक करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिव क्या चीज है। कोई भी चीज़ जो आप डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं और मोबाइल पे नहीं दिखाना चाहते, जो मोबाइल पे नहीं सेक्शन दिखाना चाहते, फर्स्ट करें मैं ये तस्वीर जो है मोबाइल पे नहीं दिखाना चाह रही और डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रही हूँ, तो मैं इस तस्वीर पे क्लिक करूंगी, एडवांस में आऊंगी, एडवांस पे आने के बाद मैं रिस्पॉन्सिव पे आऊंगी, रिस्पॉन्सिव में आने के बाद मैं हाइड ऑन मोबाइल, जब मैं इसे ओपन कर दूंगी तो ये तस्वीर, अब आप अगर अपना मोबाइल खोल के देखेंगे तो ये आपको और मोबाइल पे नजर आएगी और मोबाइल पे नजर नहीं आएगी। अगर मैं इस तस्वीर को इधर से ओपन कर दूं और हाइड ऑन डेस्कटॉप, तो ये देखिए यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे हाइड हो गई है। अभी मैं इसको पूरा खोलती हूँ, ये देखें, ये आपकी डेस्कटॉप, आपकी ये वेबसाइट है पूरी, इसके अंदर ये आपको डॉग दूसरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मोबाइल पे नजर आएगा दूसरा डॉग आपको, क्योंकि मैंने मोबाइल में तो हाइड नहीं किया। जब मैं इसको एलिमेंटर पे लाऊंगी तब तो मुझे ये नजर आएगा, लेकिन जब मैं इसको ओरिजिनली वेबसाइट पे विदाउट WP एडमिन देखूंगी तो मुझे सिर्फ एक नजर आएगा, दूसरा नजर नहीं आएगा। हाइड ऑन टैबलेट, बहुत से लोग टैबलेट यूज करते हैं, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एंड टैबलेट पे तो एक जैसा काम होता है, लेकिन मोस्टली एक जैसी पिक्चर होती है, लेकिन मोबाइल जो है ना उस पर चेंज करनी पड़ती है सेटिंग आपको। जो भी सेक्शन हम बनाते हैं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एक सेक्शन बनाने के बाद हमको उसको मोबाइल का व्यू देखना पड़ता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जैसी इधर नज़र आ रही हैं वो मोबाइल पे वैसी नज़र नहीं आ रही होती, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ये नीचे ये रिस्पॉन्सिव मोड, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद फिर हमने ये देखें, ऊपर ये तीन टैब्स आ गए, हमने यहाँ मोबाइल पे आना है, और यहाँ आने के बाद हमें चेक करना है कि ये जो हमने बनाया था ये मोबाइल में कैसा नजर आ रहा है, ये मोबाइल में कैसा नजर आ रहा है। अगर ये मोबाइल में ठीक नजर नहीं आ रहा, आप फर्ज करें ये दो सेक्शन है, इनमें एक छोटा नजर आ रहा है एक बड़ा नजर आ रहा है, हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन में जाएंगे और इसको जाकर वहां से इसकी सेटिंग चेंज करेंगे, इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। अच्छा ये यहाँ पे तो प्रोडक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकते, प्रोडक्ट हमने क्योंकि कोड लिया है तो वो चेंज नहीं हो सकता। अब फर्ज करें कि आपका ये एलिमेंट है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन ऊपर नजर आ रहा है, ये सेक्शन नीचे नजर आ रहा है, ये दो सेक्शन है, आप चाह रहे हैं ये दोनों सेक्शन आमने सामने नजर आए, ये डेस्कटॉप पे तो ऐसे ही नजर आएंगे आमने सामने, लेकिन जब हम इसको मोबाइल पे चेंज करना चाहेंगे, हम इसको यहाँ पर आकर, ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ओवर हो रहा है, ज्यादा हो गया है, और इस वाले सेक्शन को जी मैम ये कल के लिए रख लें, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। रिस्पॉन्सिव स्टाइल जो हम बाद में देखेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिव मोड बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, रिस्पॉन्सिव मोड बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक सेक्शन बनाने के बाद आपको रिस्पॉन्सिव मोड चेक करना पड़ता है, एक एक सेक्शन बनाने के बाद। अगर आप नहीं करेंगे और ऐसे ही कस्टमर को काम डिलीवर कर देंगे, कस्टमर वापस आपको ना सिर्फ पैसे नहीं देगा बल्कि आपको कहेगा कि आप, मैंने काम ही नहीं करवाना आपसे, क्योंकि आप लर्नर हैं,
ठीक है, रिस्पॉन्सिव मॉड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वेबसाइट बनाने के साथ, और नंबर दो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपको अपने काम को लोगों को दिखाना कैसे है, अपने काम को लोगों में एनहेंस कैसे करना है, कैसे लोगों को अपने आप को मुतारिफ करवाना है। दो चीजों के बगैर ना आप समझे कि आप मिल हैं, आपको इन दो चीजों में अपने आप को प्रोमिनेंट करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी से आप लोगों ने लिंक्डइन और फेसबुक और अपवर्क, इन तीन चीजों पे आपने कल फौरन ही अपना काम खत्म करने के बाद जब आप मुझे पोर्टफोलियो सबमिट करवा देंगे, उसके बाद फिर आपने मुझे जो नेक्स्ट काम है वो हमारा लिंक्डइन, फेसबुक एंड अपवर्क, इन तीन चीजों पे अपने पेजेस बनाकर आपने रोज रोज क्या करना है उस काम को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अल्लाह करे अकॉर्डिंग हुई हो तो आप लोग प्लीज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी एक दो क्लासेस और होंगी फिर ये खत्म हो जाएगा। और खुशबा स्क्रीनशॉट आप बता दें जी मैम। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट देखिए आप, हमने ली फर्ज करें हम इसको ओपन करते हैं स्किल जोन, हमने ये ओपन किया, कोई भी वेबसाइट आपने ओपन कर ली WP एडमिन के बगैर भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हमने इधर इसको किया, इधर हम इंस्पेक्ट पे आए, इंस्पेक्ट पे आने के बाद आपका ये साइट पे ये टैब खुल गया, आपने ये छोटा सा बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को आप ओपन करेंगे, इस बॉक्स को दोबारा क्लिक करेंगे, एक दफा क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये थ्री डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन थ्री डॉट्स में आपने आकर कैप्चर फुल साइज, कैप्चर स्क्रीन शॉट करेंगे तो सिर्फ इतना सा आएगा, कैप्चर फुल साइज स्क्रीनशॉट, आपने ये कैप्चर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, आप अपने लैपटॉप पे आए, यहाँ आप डाउनलोड्स में आए, सॉरी डाउनलोड्स में आए, ये देखिए अभी आपने जो ये कैप्चर लिया, ये देखे ये आप अपने माउस के राइट लेफ्ट क्लिक से आप इसको बड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है, और माउस के ही आप लेफ्ट से लेफ्ट राइट को नहीं कर रहे, लेफ्ट को आप ऊपर, पहले आपने इसको ऐसे है ना आपका ये जो आपने किया है ये आपके हाथ से ऊपर नीचे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी पूरी स्क्रीन शॉट आ गया। आपने इस पूरे स्क्रीन शॉट को कोडिंग के जरिए अपने पोर्टफोलियो में जाकर स्क्रॉलिंग इफेक्ट देना है, ठीक है। ये अभी मेरा ओपन नहीं हुआ था पूरा, इसीलिए ये इस तरह खाली आ गया, मैंने अभी पूरे ओपन हुए बगैर ही इसका कैप्चर कर लिया है, देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको बाकी भी देती हूँ, देखिए मैंने कैसे, ये मेरी दूसरी साइट है जिनके मैंने कैप्चर्स लिए हुए हैं, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें हमने फुल साइज किया, ये वही वाली साइट है जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, ये वही वाली साइट है, फुल साइट आपकी कैप्चर हो गई है। ये आपने जैसे जैसे अपने लेआउट्स बनाते जाने हैं वैसे वैसे आपने अपने लेआउट्स वहां पे शो करते जाने हैं कि एक सेकंड प्लीज, वैसे वैसे आपने अपने लेआउट्स अपवर्क पे, फेसबुक पे और क्या नाम है उसका इंस्टा पे, जहां पे या लिंक्डइन पे आपका पेज है तो जी अस्सलाम वालेकुम, बस 5 मिनट में इंशाल्लाह, तो वहाँ लिंक्डइन पे इन सब चीजों पे आपने ना अपने ये कैप्चर्स करते जाने, ये देखेंगे मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, मेरे 12th 10th का मैंने लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, आपने वहाँ वहाँ अपने फुल साइज स्क्रीनशॉट्स शेयर करते जाने, आपने किसी को ये नहीं कहना कि जी अल्लाह का वास्ता मुझे काम दे दे, मुझे ये काम आता है मुझसे काम करा ले, नहीं, आपने हर तीसरे दिन एक नया लेआउट बनाना है, बनाने के बाद अपने हर प्लेटफॉर्म पे अपना लेआउट डाल देना है। एक महीने अगर आप ये काम करते रहे, एक महीने में 4 भी लेआउट बनाकर आप अपने सोशल मीडिया पर डाल दें, 5 डाल दें, लोग आपको खुद ब खुद अप्रोच करने शुरू हो जाएंगे, वो लोग भी अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे कि हमें सिखा दें, वो लोग अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे कि जी यहाँ से ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है, इन सारे लोगों को आपने हैंडल करना है, ठीक है। जब लोगों को पता चल जाएगा आपको काम करना आता है तो कंपनीज को भी पता चलेगा कि आपको काम करना आता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके नसीब में रिस्क लिखा है तो कंपनीज आपको खुद पिक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ऐसे काम मिलेगा, लेकिन काम मिलने में आपको 6 महीने लग सकते हैं, ये याद रखिएगा, साल भी मिल सकता है, लग सकता है, मुझे साल लगा था तो, लेकिन ये है कि आपको कॉन्स्टेंट रहना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है,
अच्छा ये आपको पता लग गया ना, कोई भी साइट खोले उसमें इंस्पेक्ट का एलिमेंट खोले, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलने के बाद सबसे नीचे इंस्पेक्ट होता है, यानी आप राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट आ जाएगा सबसे नीचे, उस इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स को दो दफा ओपन करेंगे, एक दफा ओपन किया फिर दूसरी दफा ओपन करेंगे, ये थ्री डॉट्स आए, थ्री डॉट्स आने के बाद कैप्चर फुल साइज स्क्रीन किया, वो डाउनलोड हो जाएगा, वो आपके डाउनलोड में आएगा कहीं भी जाओ, ठीक है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।